के आज फिर से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसी की घोषणा हुई है। सर 2024 के लिए क्या तैयारी है सर, विपक्ष के बात करेंगे? सब ये सब आपको बतावेंगे ललन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बताएंगे। सर ये विलय की बात हुई क्या, क्षेत्रीय दलों में जो विलय की बात चल रही थी? कौन सा विलय? कई दल हैं जो एक साथ जाकर के चुनाव लड़े हैं, किसी एक मिसाल पे चुनाव लड़े हैं। कहाँ से ये, कहाँ से सूचना आप हमको दे रहे हैं? हमको नहीं मालूम है, क्योंकि आप ही से सूचना हम ग्रहण कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आज जदयू द्वारा खुला अधिवेशन बुलाया गया है। जदयू के राष्ट्रीय परिषद के इस खुले अधिवेशन में जेडीयू के तमाम नेता शामिल होंगे। अधिवेशन का आयोजन एसके मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। अधिवेशन में खुद सीएम नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज की बैठक में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर जोर दिया जाएगा, ताकि बीजेपी को रोका जा सके। इससे पहले पटना में शनिवार को भी जेडीयू की तरफ से कई बैठकें की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा और मंथन किया गया। इन बैठकों में जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों और जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को औपचारिक तौर पर पार्टी का एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस तरह दूसरी बार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। जेडीयू के तरफ से आधिकारिक तौर पर ललन सिंह के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सर्टिफिकेट खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सौंपा। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े एवं दिग्गज नेता मौजूद थे। 5 दिसंबर को मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े ने ललन सिंह के नाम की घोषणा जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए की थी। इसके बाद ललन सिंह के अलावा किसी और ने जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं भरा था। ललन जी आज फिर से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसी की घोषणा हुई है और सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स का भाषण हुआ है और हमने सब लोगों से मिल लिया है, सारी बात कर ली है। ताज तो वही है सर, 2024 के लिए क्या तैयारी है सर, विपक्ष के बात करेंगे? सब ये सब आपको बतावेंगे ललन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बताएंगे। जो भी होने वाला होगा, जिम्मेवारी वही बताएंगे, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना। पार्टी क्या होता है? पार्टी का संगठन का प्रायोरिटी होता है संगठन को मजबूत करना, संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना, संगठन को धारदार बना, यही प्रायोरिटी होती है संगठन को चलाने का। नागालैंड में चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मणिपुर में हम लोग चुनाव जीते थे, उसी तरह नागालैंड में भी चुनाव जीतेंगे। सर ये विलय की बात हुई क्या, क्षेत्रीय दलों में जो विलय की बात चल रही थी? कौन सा विलय? कई दल हैं जो एक साथ जाकर के चुनाव लड़े हैं, किसी एक मिसाल पे चुनाव लड़े हैं। कहाँ से ये, कहाँ से सूचना आप हमको दे रहे हैं? हमको नहीं मालूम है, क्योंकि आप ही से सूचना हम ग्रहण कर रहे हैं। सर तीसरी भी राष्ट्रीय तंत्र में फिर से भूमिका बढ़ने वाली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगातार एक बार फिर से करने वाले हैं। देखिए नीतीश जी का तो जो प्रयास है महागठबंधन में जाने के बाद, कि 2024 में सभी विपक्षी पार्टियां एक मिल होकर चुनाव लड़े संयुक्त रूप से, और भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजित करना है तो सभी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सर जब आप और उस प्रयास में वो लगे हैं और आगे भी लगे रहे। सर आपको जब बधाई देने का समय था, नीतीश जी ने जिस तरीके से गुलदस्ता लेकर वापस आपको भी लिया, उसको क्या कहेंगे? बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ इशारा कर। नहीं ये उनका प्रेम है, ये उनका प्रेम स्नेह है, और नीतीश जी से हमारे रिश्ते 1986 से हैं, तो 1986 से एक लंबा रिश्ता रहा है, संघर्ष का रिश्ता रहा है, सत्ता का रिश्ता रहा है, सत्ता में वो रहे हैं तब रिश्ता रहा है। हम प्रदेश अध्यक्ष थे जब वो 2005 में बिहार में सत्ता में आए, तो हमको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो ये एक लंबा रिश्ता है संघ रिश्ते के कारण।